और मैं पीजी यूनिट से जय पांडे। इस समय जवेर रोड पे मुलुन वेस्ट में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक एमएससीडी की केबिन है। ये एमएससीडी की केबिन है और यह केबिन कितनी जो है लापरवाही के साथ में यहाँ पड़ी हुई है और कितना डेंजर है। ये फुटपाथ है, मैं आप दिखाइए, ये फुटपाथ है और फुटपाथ से जस्ट टच जो है केबिन है। आप आइए, पास आइए कैमरा लेके, ये केबिन है और यहाँ से ये पूरा ये जिंदा है, मतलब लाइट है इसमें और जो छुएगा वो मर जाएगा, ये कन्फर्म है, जो छुएगा वो मर जाएगा। मैं भी छूँगा तो मैं भी गया, तो फुटपाथ से लगा हुआ और ढक्कन है ही नहीं। अब बताओ, एक ये जो एक ढक्कन है, सिर्फ एक ढक्कन ही नहीं है, मतलब अगर यहाँ के लोग अगर इसको बंद भी करना चाहें तो नहीं बंद कर सकते क्योंकि ढक्कन ही नहीं है और ये खुला हुआ है। और फुटपाथ से देखिए एकदम लगा हुआ टच है, किसी का हाथ जा सकता है, बात करते हुए किसी की केहनी सट सकती है, आप ये समझिए। और यहाँ पर शॉप भी है, शॉप दिखाइए, ये शॉप भी है यहाँ पे, गिफ्ट की शॉप है। इसके जस्ट बगल में सबसे बड़ी बात यह है, इसके जस्ट बगल में वाइन शॉप है, इधर दिखाइए, ये संतोष वाइन्स है, इधर संतोष वाइन्स है, इधर दिखाइए, ये संतोष वाइन है। यहाँ से लोग बियर दारू जो भी लेते हैं और लेने के बाद बहुत से ऐसे होते हैं कि वो तो खुद ही आसपास में ही बॉटल में मार लेते हैं। लेकिन रह गई बात की, मुझे दारू से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम है किसी की जान ना चली जाए, किसी की मौत ना हो जाए। और यह लापरवाही किसकी है, केबिन की। यहाँ से जो है जाने वाला व्यक्ति होगा, कोई ठरकी आदमी होगा, कोई कुछ होगा, अगर वह नशे में है, अगर वह नशे में है तो यकीनन इसमें टच हो जाएगा, यकीनन वो इसमें जो है टच हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और वह मौत का जवाबदार कौन होगा, उस मौत का जवाबदार कौन होगा। और इस तरफ भी आप देखेंगे, मैं तो एक तरफ दिखाया, दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, यह जो है ढक्कन खुला हुआ है, यह ढक्कन खुला हुआ है और नीचे से आप देखें सारे जो है टूटे फूटे हैं, सारे जो है टूटे फूटे हैं। यह एमएससीडी की जो केबिन है, एमएससीडी इतनी, आप बताएं एक यूनिट का जो है 9.64 रुपये के लगभग हिसाब से, मेरे समझ से यही है यूनिट का रेट लिया जाता है। अगर 100 यूनिट के ऊपर अगर आपका चला गया तो लगभग यही रेट लिया जाता है, जो कि सबसे उसके पहले जो 7.5 रुपये यूनिट था। इतने पैसे आने के बाद भी एमएससीडी के पास और कंडीशन यह है, और यही एक बॉक्स की कंडीशन नहीं है, ऐसे मैं आपको कई बॉक्स दिखाऊंगा मुलुंड में, और मुलुंड के बाहर भी ऐसी कंडीशंस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप समझिए कि इसमें एमएससीडी कितना बड़ा घोटाला कर रही है, लोगों के जान के साथ उस खिलवाड़ कर रही है, उसको किसी की जान की नहीं पड़ी है, किसी मेंटेनेंस इसका कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखिए सारे टूटे फूटे उधर से, फिर से मैं कहूँगा एक बार केबिन को दिखाएं, कायदे से दिखाएं, डोर नहीं है, एक तरफ डोर है वो भी कब गायब हो जाएगा पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यह कभी भी कोई भी टच कर सकता है, कोई भी टच कर सकता है। यहाँ के एमएससीडी इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो हर घर पे जो हर जगह जो बिल जाती है वसूलने जाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, यह सबकी जानकारी में होते हुए भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो इसकी रिपोर्ट देंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। सब काम चोरी कर रहे हैं, सब काम चोरी कर रहे हैं। मैं यही नहीं, अब मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दावा के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक केबिन आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसके बाद दूसरी भी केबिन दिखाऊंगा, अभी मैं तीसरी भी केबिन दिखाऊंगा, मैं केबिने ही दिखाऊंगा। और एमएससीडी को मैं बताऊंगा कि वह जो है कोम करड़ की नहीं सो रहे हैं, ऑफिसों में एसी का मजा ले रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो है पर यूनिट 9.64 रुपये पे कर रही है, 9.64 रुपये पर यूनिट कर रही है 100 यूनिट के ऊपर जाने के बाद। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मुंबई में जिसका 100 यूनिट के ऊपर ना जाता हो, लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन यह है कि रोड से सटा हुआ एमएससीडी का बॉक्स ओपन है, किसी की भी जान जा सकती है। और उस पार मैं आपको रोड दिखाता हूँ, इस तरह आप जो है केबिन की दशा देखेंगे, इसके ऊपर ये देखिए कोई लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ देखिए कोई लॉक नहीं है, सारी चीज़ें खुला हुआ, ये कंडीशन है। एक बार एक बॉक्स को दिखा दें मैं, और इस बार हम इस तरफ से भी बॉक्स को दिखाना क्या कुछ देखिए, ये देखिए सेम जैसे मैंने दावा किया वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी देखिए एक ढक्कन नहीं है, एक ढक्कन यहाँ पे भी नहीं है, और ये रोड से टच है, किसी भी व्यक्ति का हाथ जा सकता है, कोई छू सकता है, कोई बच्चा साथ में अगर किसी के साथ में जा रहा हो वो हाथ बढ़ा सकता है, किसी की भी मौत हो सकती है और कभी भी यह दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ पर तो सारे छोटे बच्चों के कपड़े बिकते, आप दिखाओ दुकान पर दिखाओ, ये छोटे बच्चे के कपड़े देखिए, बेबी शॉप है यहाँ पे, तो लोग फैमिली के साथ छोटे बच्चों को भी लेके आएंगे, कोई बच्चा मान लीजिए हाथ छुड़ा के या फिर साथ में जा रहा है पकड़ के हाथ और वह टच कर दिया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा, कौन लेगा उसकी जवाबदारी, मैं पूछता हूँ।
एमएससीडी के ऑफिसर्स आके खोल लें, जान लें, कुर्सियां छोड़ के उठें ऑफिस से और घूमें और पता करें कौन कौन सी केबिन्स क्या कंडीशंस है। और यही एक दूसरी केबिन नहीं, मैं तीसरी भी केबिन दिखाऊंगा इसी रोड पे आगे, और यही बगल में सविता कांबले जी का ऑफिस भी है, बीजेपी की नगर सेविका हैं ये, उनके वार्ड की 107 वार्ड है भैया, 107 वार्ड है, 107 वार्ड है, उन्हीं का वार्ड पड़ता है। हाँ वो पड़ता है, सविता कांबले जी का ये वार्ड है और बगल में ऑफिस है और ये कंडीशंस हैं आप समझ सकते हैं। और इस रोड का भी विकास हुआ है, विकास के नाम पे जो है मैंने बार बार दिखाया, विकास के नाम पे सिर्फ घोटाला किया गया है और आधे अधूरे काम किए गए हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे भी काम किया गया, वहाँ छोड़ा गया, वहाँ छोड़ा गया, ऐसे आधे अधूरे काम करके सिर्फ बिल को पास कराने का काम किया गया है। 31st के बाद सिर्फ बिल को पास कराने का काम किया गया है। सारे आपको मैं फुटपाथ भी आपको थोड़ी सी नज़र में आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देखिए फुटपाथ की भी ये कंडीशंस है। इस तरफ आ जाए, कैमरामैन मैं कहूँगा नीचे आ जाए, इस तरफ देखा, देखिए आधे अधूरे काम करके फुटपाथों को काम सारे कामों को छोड़ दिया जाता है। किसी को किसी की डर नहीं है, किसी को किसी का भय नहीं है, किसी को किसी का भय नहीं है। मैं आपको आगे भी आपको मैं चल के दिखाता हूँ, मैं आगे भी आपको एक केबिन है उसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आगे दिखा रहे हैं तीसरी केबिन। अभी तक आपने जवेर रोड पे ही दो केबिन मैंने आपको दिखा दिया एमएससीडी की, मैं तीसरा डब्बा आपको दिखा रहा हूँ, इस डब्बे की क्या कंडीशन है आप देखिए। ये सामने जो डब्बा आप देख रहे हैं, देखिए नीचे से सारा ओपन है, सारा डब्बा ओपन है, आप देख सकते हैं। इस डब्बे को चारों तरफ दिखाओ, इस तरफ से भी दिखाओ, कंडीशंस क्या है देखिए, यह है कंडीशन इस डब्बे की। आगे आपने दो डब्बे हमने आपको दिखाए जिसमें डोर तक नहीं है। ये डब्बा आप देखिए, इस तरीके से डब्बा है, ये कंडीशन है इस डब्बे एमएससीडी के, एमएससीडी के जो है केबिन बॉक्स जो है एमएससीडी का, यह कंडीशन है। एमएससीडी कितना काम में अपने रुचि रखी है, कितना जागरूक है, कितना उसने मेंटेनेंस में खर्च किए, सारे पैसे क्या किए उन्होंने, बजट क्या करते हैं वो लोग, 9.64 रुपये पर यूनिट, 100 यूनिट होने के बाद जो वसूला जा रहा है घरों से, वसूला इसलिए जा रहा है क्योंकि रेट इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है, इतना ज़्यादा रेट जो बढ़ाया गया है, उसके बाद सुविधा लोगों को क्या है, दो दो केबिन्स जो है फुटपाथ से सटा हुआ जो है, डोर तक नहीं है, किसी की जान जा सकती है। और यहाँ पे कंडीशन से हैं भैया, इस रोड पर और भी आगे है क्या कोई केबिन? और भी है आगे है कोई? उधर हाँ, मैं आपको एक केबिन और दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ एक केबिन और दिखाता हूँ मैं आपको, इस केबिन और मैं दिखाता हूँ, ये केबिन आप देखिए, इस केबिन की भी कंडीशंस वही है, इसमें भी डोर नहीं है केबिन में। एक बार कहूँगा कैमरामैन थोड़ा आए, देखिए ये केबिन है, ये आपको चौथी केबिन में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये चौथी केबिन, इसको दिखाओ, इधर आओ, ये चौथी केबिन है एमएससीडी की, इसमें लाइट है, सब कुछ है, डोर नहीं है, नीचे से भी नहीं ऊपर से भी, देखिए ये कंडीशंस है, लिखा क्या है इसमें, इसके ऊपर इधर दिखाओ, लिखा है डेंजर, 415 वोल्ट है इसके अंदर, 415 धोखा है, लिखा गया है धोखा है, 415 वोल्ट है इसके अंदर, उसके बावजूद भी कंडीशंस क्या है, यहाँ पे डोर नहीं है, किसकी जवाबदारी है। और यह रोडों पे जो है बच्चों के कपड़े, देखिए ये भी बच्चे की शॉप है, एक बार दिखाई देखो किड्स स्टूडियो, ये भी देखिए बच्चे की शॉप है, कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ मारे, कोई बच्चा अगर टच कर देवे या किसी को करंट लग जावे, इसकी जवाबदारी किसकी होगी? ये मैं चौथी केबिन दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक करीबन 100 मीटर की दूरी में चार केबिन है, 100 मीटर की दूरी में चार केबिन है, चारों केबिन की कंडीशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जवेर रोड पे, और एमएससीडी की ये कंडीशंस हैं, और पर यूनिट 9.64 रुपये लिए जा रहे हैं, पर यूनिट 9.64 रुपये वसूला जा रहा है, गरीब हो चाहे अमीर हो सबसे लिया जा रहा है, इतना 9.64 रुपये वसूलने के बाद जो है ऐसी कंडीशंस में जो है मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया है, वो भी रोड के ऊपर। यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये लोग क्यों नहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते, क्यों नहीं जनता के बारे में लोग सोचते? एक बार इस डब्बे को उस तरह से भी दिखाओ भैया, ये कब से खुला हुआ है? बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीना हो गया उसको खुले, उसको उधर से ढक्कन भी गायब है। हाँ ढक्कन गायब ही है। ये क्या एमएससीडी की जानकारी में है? एमएससीडी को जानकारी है, उन्होंने बोला था कि साहब को बोला हुआ है कि नया ढक्कन लगने वाला है, लेकिन फिर भी लगाया नहीं है, ये काम चालू था तब से बताया हुआ है। साहब मैं बोलता हूँ जो नए साहब आए हुए हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान देवें,
अगर इन चीज़ों का फंड अगर आया तो कहाँ गया, और फंड आया नहीं आया, लेकिन ये जरूरी है, खुले हुए हैं, किसी की मौत हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, क्यों नहीं काम हुआ? मैं सिर्फ एक रोड पे, जवेर रोड पे 100 मीटर की दूरी में 4 केबिन दिखाता हूँ, और चारों केबिन की यही हालत है कि 3 केबिन में डोर ही नहीं है, दरवाजे तक नहीं है, चौथी केबिन का जो नीचे से पूरी मतलब बोलेंगे 60% खराब है, सारे डब्बे चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन MSCD के ऑफिसर्स, MSCD के कर्मचारी कर क्या रहे हैं? अगर व्यक्ति अगर कोई लाइट का बिल नहीं भरता है तो उसकी लाइट का मीटर काट ले जाएंगे, वो उनको पूरा हक है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए, किसी का धोखा हो जाए, मर जाए, लेकिन उसकी उनको नहीं पड़ी है, शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसरों को, ऐसे ऑफिसरों को शर्म आनी चाहिए कि MSCD भिखारी नहीं है, अरबों खरबों रुपए आते हैं उसके बावजूद भी सर्विस नहीं है, शर्म आनी चाहिए ऑफिसरों को, ऑफिस से निकलें, घूमें एक बार कि कौन कौन सी केबिन्स की क्या कंडीशंस है, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, डोर तक गायब है सारे मीटर्स की, यही नहीं 100 मीटर की दूरी में 4 केबिन की हालत है, तो पूरे मुलुंड की क्या हालत होगी? बस एक छोटा सा प्रयास दिखाते हुए मैं जय पांडे PG News से, जय हिंद।